properly, okay? Nana ji, ये लैंप ऐसे रखते हैं यहाँ पे. Look how you've kept it. क्या हुआ? ऐसे रखते ठीक से बिल्कुल. भाई ठीक है रखो फिर. मुझसे नहीं होता है, मेरे बस की बात नहीं है. आप ही मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं ना बिल्कुल. अरे क्या हेल्प करें, ये तुम्हारा भाई है ना. मुझे भी स्कूल जाना होता है. तुम्हें स्कूल जाना होता है और आप थक जाते हैं. काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना. और क्यों नहीं करना भी चाहिए. फ्रेंड मेरी आ रही है, आपकी थोड़ी ना आ रही है. मिली, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं ना. क्या काम कर रहे हैं आप लोग? काम कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं. वो ठीक से कुशन्स भी नहीं रख रहा और आप भी वो लैंप ठीक से नहीं रख पाए हैं. छोड़ो ना मिली. देखो वैसे छोटी छोटी बातों की तरफ थोड़ी कोई ध्यान देता है. और वैसे सोनिया तुमसे मिलने आ रही है ना. ये घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है ये देखने थोड़ी आ रही है. नाना जी क्या जानते हैं आप सोनिया के बारे में? वो बहुत खास लड़की है, वो आम लड़कियों जैसे नहीं है. ओके, वो हर चीज के बारे में ना बहुत पर्टिकुलर है. मैं जानती हूँ ना उसे. मेरी फ्रेंड ना, वो माई बेस्ट फ्रेंड. शी इज वेरी डिफरेंट, सबसे अलग है वो. नाम तो बड़ा कॉमन है, सोनिया. नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकंड. यहीं कहीं होगा. लोकेशंस आर डन. No, no. Listen to me. The casting is done. We're just waiting for the go ahead from you. Hold on a second. Hamari beti ka phone. Hello? Yeah, I'm on the other line. One second. Ah, what is it? अरे मोबाइल पे क्यों फोन करा यार? Noodles. ऐसे काटते क्या गोभी? तो कैसे काटते हैं? ठीक से ऐसे ठीक से निकाल के काटिए ना बराबर. अरे आखिर पकना तो है, पेट में ही जाने वाला है ना. नाना जी प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है और सोनिया को ना मायने रखता है ये सब कुछ. टमाटर भी काटने भी. प्रेजेंटेशन पहले अपना प्रेजेंटेशन देखो. अच्छा मैं जा रही हूँ. हाँ सुना मैंने, जेनी ने बताया मुझे. तुम्हें ना रॉनी के साथ वो फॉलो अप करना है, वो मिल्क पाउडर वालों के साथ वो होर्डिंग के लिए. मुझे मालूम, मैं इसीलिए रॉनी के बारे में पूछ रहा था ना तुमसे. तुम आदमियों को तो रिमाइंड करना ही पड़ता है ना. ये रिमाइंडर सेवा आप बंद रखिए अपनी. क्या करें, अस वुमेन ऐसे ही हम ध्यान में रख लेते हैं. इट कम्स टू अस नेचुरली. स्टॉप नैगिंग. नैगिंग कह लो, कुछ भी कह लो. तुम यार वही छोटी छोटी बातों को लेकर ना वही 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 करती रहती. बातें पहली छोटी होती है, भूल जाने से बहुत बड़ी हो जाती है. अच्छा ठीक है, विल मैनेज विदाउट यू. ओके बेशक, तभी तो मैं जा रही हूँ. गुड. कुछ पूछना है? छुट्टी पे जा रही है काम से? कुछ पूछना नहीं था तो पूछ क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है मत बताओ. छुट्टी पे जा रही हूँ 7 दिन की. अकेली जा रही है? नहीं, कोई जा रहा है साथ में. हाँ गुड यार, अकेले जाना नहीं चाहिए छुट्टी पे, एकदम बोरिंग हो जाता है. चलो एटलीस्ट कुछ तो कॉमन है हमें. बाय, हैव फन. आयुषी, इट्स जो जा रहा है साथ में कोई दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है या नहीं पता नहीं, आदमी है. हैव फन, बाय. सोनिया किसी ऐसे बैग पकड़ना यार. हाय नाना जी, हाउ आर यू? हाय. अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो सुबह से लगी हुई है, just to make you feel at home. I'm always at home, यार नाना जी. नाना जी, sorry, मैं पांव ऊपर रख रही हूँ. No, no, it's okay, बेटा. सोनिया तू ठीक से तो पहुंची ना? How dumb, ठीक से तो पहुंची ना सोनिया. अगर यहाँ पर बैठी हूँ आराम से तो ठीक से ही पहुंची होंगी ना. ये अर्ली फ्लाइट का क्या चक्कर है? अरे नहीं नाना जी, मैं बस एयरपोर्ट पे मैंने फोन किया, उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले की फ्लाइट है तो मैं पकड़ के आ गई. देखिए नाना जी, मैं आपके लिए जो लाई हूँ, यू विल लव. ओह थैंक यू. हाँ दिस इज माय फेवरेट कलर. नाना जी आपको तो ब्लू पसंद है ना? तो है ना, ब्लू है ना, कॉलर ब्लू है. व्हाट ब्लू नाना जी, ब्लू इज नॉट कूल, दिस इज द इन कलर, इट इज सुपर कूल. मिली 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 मिली. रियली दिस इज सो प्रिटी. तो फिर लगा दे. अभी नहीं, वो शाम को लगा लूंगी मैं. क्यों परफ्यूम है यार, अभी लगा यार, बाद में लगा. और वैसे भी नाना जी इसको अभी लगाने की जरूरत है. यस यस. क्या अंधेरा करके क्यों बैठे सब? क्या भाई नहीं है क्या? पापा कैंडल लाइट डिनर है आज. ठीक है लेकिन नजर भी तो आना चाहिए भाई, क्या कर रहे? हाँ एक्चुअली मिली, मतलब इतने अंधेरे में खाना दिखाई नहीं देगा ना. मैं लाइट ऑन करता हूँ. मच बेटर. हाँ मच बेटर, अभी खाना.
कैंडल क्यों जाती? लाइट है तो फिर डबल लाइट क्यों? ओके तो भाई तुम बैंगलोर से भाग आया कि तुमको निकाल दिया वहां से? नहीं एक्चुअली मम्मी डैडी घर पे नहीं थे, काम पर गए हुए थे, तो मैं बस निकल आई। आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतना काम करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, तो थोड़ा ख्याल तो तुम्हें भी रखना चाहिए पेरेंट्स का। ए सोनिया पापा की बात मत मानना, वो हाइपर टाइप के हैं। थैंक यू फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। नहीं एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, मैं फोन कर दूंगी खाने के बाद ही। दैट्स अ गुड गर्ल। चलो खाओ कुछ। ओह माय गॉड नूडल्स अगेन। अरे कमाल करती हो, सुबह से हम सुनते आ रहे हैं कि तुम्हें चाइनीज फूड बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन नाना जी नूडल्स इतने कॉमन हो गए, मतलब सब जगह चाइनीज फूड ही चाइनीज फूड है, यू नो देयर इज नो चेंज। दैट्स ट्रू यार, हमारे ऑफिस में भी कैंटीन में वही चाइनीज रोज 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 चाइनीज को बोलते हैं। तो और बना दे, कभी भेलपुरी बना दे, कभी पराठा बना, नहीं चाइनीज रोज चाइनीज। हाँ वैसे भी अजीनोमोटो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अजीनोमोटो वो कौन है? अजीनोमोटो कॉजेस कैंसर। अरे मिली ये तुम क्या कैंसर वैंसर का खाना बना रही हो यार। प्लेट दो रहा हूँ। क्यों? क्यों मतलब सब गंदा हो रहा था तो मैंने धो दिया। मैंने सोचा तू थक गई होगी सुबह से काम कर रही। पापा व्हाई आर यू शोइंग ऑफ? क्या हुआ क्या तुम उसके दिमाग क्यों खराब हो रहा है तुम्हारा? पापा मेरी फ्रेंड आई है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार ऐसे शो ऑफ करें। अच्छा मेरी ये भी मतलब नहीं है इसका कि तुम हर टाइम मतलब इसी से बात करो मेरे साथ, हद होती है हर चीज की। सिद्धार्थ अंकल आइए ना, सिद्धार्थ अंकल आई गॉट अ सरप्राइज फॉर यू। फॉर मी? डाडा आई होप यू लाइक इट। सिद्धार्थ अंकल दिस फॉर मी? या थैंक्स सर। यू नो व्हाट मैं सोच रही थी कि अगर मैं आपको सिद्धार्थ बोलूं तो ठीक होगा? बिल्कुल। अरे इट विल मेक मी फील यंगर और एट लीस्ट लेस ओल्ड। तुमने घर पे फोन किया कि नहीं? मम्मी पापा बिजी थे। यूर ओके? मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? आई मीन दोस्त के नाते। बिल्कुल। नहीं मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी तो मिली आ गई, मिली से बहुत सारी बातें करनी है। आना यार। तुम्हारा दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? गुड नाइट। बाय सिद्धार्थ। गुड नाइट। सो वी हैव अ डेट टुमारो। टॉक टू यू सून। स्वामी गुड नाइट। यू टॉक टू हर। बस कितना क्रीम लगाएगी यार? क्यों तू नहीं लगाती क्या? नहीं तो ओह तेरी स्किन भी ऑयली है। अच्छा मिली एक बात बता, तो बैंगलोर क्यों नहीं आती यार? आ जाऊंगी जान में। क्यों तेरे एग्जाम है क्या तब? नहीं नहीं वो आजकल मैं मॉडलिंग कर रही हूँ ना फैशन शोज। तो सच मॉडलिंग कर रही है तू? हाँ, बताया नहीं। हाँ तुझे बताया। वो क्या ना मेरे बॉयफ्रेंड को भी बहुत पसंद है। बॉयफ्रेंड? डिड यू से बॉयफ्रेंड? तेरे पास बॉयफ्रेंड कब से आ गया? क्यों तेरा नहीं है? नहीं तो हाउ सर तुझे अच्छा नहीं लगा मैं यहाँ पर आई? मेरी नहीं यार नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम रियली हैप्पी ट्रस्ट मी। हेलो
ये सिद्धार्थ कपूर का घर है? नहीं, ये कंपनी लीफ का घर है। ओह, आई एम सॉरी रॉनी अंकल, इट वाज अ जोक। आप मुझे जानते हैं? अरे हम गोवा में तो मिले थे, आई है। हाँ, पर गोवा में बहुत मजा आया था ना। बैठे। सिद्धार्थ कहाँ है यार? पापा सोए होंगे। ओह, उठना पड़ेगा। नहीं नहीं, बैठे, आप चाय पीजिए, मैं पापा को उठाती हूँ। रॉनी, हाय, व्हाट आर यू डूइंग? पापा आप कहाँ से आ रहे हैं? जॉगिंग। अबे यू भाई? बस यार। नाना जी कहाँ? नाना जी आ रहे हैं, कुछ ब्रेड वगैरह। आप नहीं ला सकते थे ब्रेड? ला सकता था लेकिन वो चले गए। नाना जी को क्यों भेजा आपने? उनकी एज हो रही है ना। मिली कुछ पानी वानी लेके। रॉनी, दिस इज सोनिया, अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। हाँ, तुम क्या सुबह सुबह आ गए अभी इधर? आयुषी, उसका क्या प्रॉब्लम क्या है यार? उसका गोवा से भी I told the wheel manage. मुझे क्या मालूम यार, यार सुबह से फोन कर कर के मेरा दिमाग का दही बटाटा पूरी कर डाला यार। हेलो सर, हाउ आर यू? आई आई सर, मैं जरा यस। कैसे हो, क्या हाल है? हाल ये आयुषी को फोन ही नहीं करता। ये आयुषी कौन है? क्यों, तुम आयुषी को नहीं जानती हो? शी इज पापास कोलीग, फ्रेंड, यू नो। आयुषी बहुत सुंदर है, लंबे बाल, 10 की लुक्स, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। पापा और आयुषी बहुत ज्यादा क्लोज है। क्यों? अच्छा, पापा अभी क्यों नहीं हो क्या? वो पापा की गर्लफ्रेंड है। प्लीज मेरी। पापा शर्माते हैं, बट यू नो इट्स अ गुड मैच। एक साथ काम करते हैं, एक ही प्रोफेशन में हैं, दोनों का एज भी सेम है। एज डज मैटर। मेरी क्या पटापटा कर रही है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? क्यों, ऐसा नहीं होता? कभी लड़का बहुत बड़ा होता है, लड़की बहुत छोटी होती है। कभी लड़की बहुत बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है। It doesn't work. It never works. Milly, stop it, will you? And shut the TV off. Right. देख के खोपड़ी खराब होगी तेरी। See you later. Bye, आंटी। वो आंटी लगती तेरी। क्यों? जब वो आपको सिद्धार्थ बुला सकती है तो मैं उसे आंटी नहीं बोल सकती? Don't cry. मुझे नहीं कुछ बोला फिर? You have to be brave. पर हमेशा सब कुछ मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? Why do I always mess up? मैं कल जा रही हूँ और मिली मुझसे बात नहीं कर रही है अभी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ। ओके, she'll be okay, you'll be okay, yeah, you'll be okay, you'll be okay ना? मोहित, ब्लू शर्ट किधर है मालूम तेरे को? मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ बाहर, बैंगलोर। सोनिया के साथ ना? हाँ, साथ ही निकल जाते हैं। आई नो। उसके पेरेंट्स से बात करके देख लेते हैं। पता है मुझे, तुम्हें बताया सोनिया ने? हर बात बतानी नहीं पड़ती पापा, बच्ची नहीं हूँ मैं पापा। I know everything. अच्छा, पता नहीं यार उसके पेरेंट्स की समझ में आएगी कि नहीं बात। पापा, तो बात। I hate you, पापा। Sorry? I just hate you. How could you do this? तो पागल तो नहीं हो रही है? अब सोनिया से शादी कर रहे? पागल तो नहीं हो रहा तू? पापा, this खोपड़ी is... खराब हो रही है तुम्हारी। पापा, वो मम्मा की प्लेस नहीं ले सकते। I'm telling you this. Stop it! खोपड़ी खराब है तेरा? मैं उससे शादी करूंगा, सोनिया से। मैं बैंगलोर जा रहा हूं उसके पेरेंट्स से मिलने, क्योंकि उनका डिवोर्स हो रहा है। दे स्प्लिटिंग अप। क्या क्या कचरा भरा पड़ा तुम्हारे, मैं एक झापड़ा हूं तुम उस। लेकिन
ऐसी बात ही तो आपको आपको क्यों कहा उसने, मुझे क्यों नहीं कहा? तुम्हें क्या बोलेगी वो? तुम्हारे पास वक्त है किसी की बात सुनने का? हल्ला कर रखा सुबह सुबह, तुम्हें मालूम वो बैंगलोर से बंबई आई थी तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुम्हें किसी और का दुख दर्द समझ में आता है क्या? खाली अपने ही दिमाग में तुम्हारा पता नहीं कौन सा स्क्रिप्ट चल रहा है। I'm ashamed to be your father sometimes. मैं जा रहा हूं बैंगलोर उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के भैया अपनी शादी मत तोड़ो, क्योंकि अकेले माँ और अकेले बाप बच्चा नहीं पाल सकते, ऐसे नमूने पैदा होते हैं। तुम्हारे नाना को पता चलेगा तुम ये सब सोच रहे हो तो सर पीट लेगा अपना। मिली, I'm very sorry यार, लेकिन मैं बहुत embarrassed थी यार। Okay, we're going. We're going, princess. You manage? Millie, you'll pray for me? Thank you. क्या मिली? ठीक है यार, हंस सकती है ना तू भी, इट्स अ बैड जोक, लेकिन क्या हंस दो ना यार। अब ठीक है, हो गई गलती तुमसे, लेकिन क्या मुंह फुला के बैठा है, सबसे गलती होती है। तुमने सोचा था कुछ सुनने के बारे में, वैसा कुछ निकला नहीं, लेकिन एक जरूरी लेसन तो सीखा तुमने कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा हो। एग्जैक्टली, अब मोहित की तरफ देखो ऐसा लगता है हमेशा पढ़ता रहता है, लेकिन नहीं, वो फिल्में भी देखता है। हाँ? पापा, I'm sorry. Hey, it's all right. It's all right. क्यों मोहित? Hey, क्या देख रहे इधर उधर? मोहित, ऐसा नहीं देखते बेटे, क्या कोई छोकरी है क्या? ओए, सिमरन है, सिमरन? सिमरन नहीं है, लगता है तुम्हारी आयुषी बैठी है। आयुषी मेरी कब से? आयुषी है? आप लोग ऑर्डर कीजिए, मैं उसको हाय बोल के पापा। जस्ट ऑर्डर बर्गर फॉर मी। हाँ आता हूँ। मैं टेक योर ऑर्डर। हाय सिद्धार्थ। हाय। अकेले हो? अरे नहीं, पूरा गैंग है। वो दिन नूडल्स ले गए। नूडल्स? अरे हो गया नूडल्स वाला एपिसोड खत्म यार। और तुम? ओह जस्ट फॉर अ क्विक बाइट। लेकिन तुम तो 7 दिन आने वाली थी तुम? हाँ। क्या तबीयत वगैरह तो ठीक थी? हाँ सब ठीक, सब ठीक। फिर बुकिंग नहीं मिली? नहीं नहीं, बुकिंग तो 3 महीने पहले ही कर चुके थे। फिर क्या हो गया, लड़ाई करके आ गई क्या? लड़ाई पढ़ाई कुछ नहीं, जस्ट गॉट अ लिटिल ऑकवर्ड। क्या है ना, उसकी गर्लफ्रेंड जो आ गई थी। गर्लफ्रेंड उसकी? तुम्हारे? मेरे भाई की। क्यों? तुम कुछ है? तुम कुछ और सोच रहे थे? नहीं, मैं क्या सोचूंगा। आई नो वेरी वेल, जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। जस्ट डायलॉग का मतलब क्या है?